हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए, मैं इसराइल से आ गया हूँ एक और नया ब्लॉग लेके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम मस्त हो, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, आप लोग अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि इसराइल में जो जंग चल रहा था उसमें फिर से कुछ नया अपडेट हुआ। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि क्या इसराइल में फिर से वॉर शुरू होने वाला है। बोल रहे कि न्यूज़ चैनल में दिखा रहे हैं कि इसराइल में कुछ फिर से जंग शुरू हो गया लेबनान के साथ, और क्या हो रहे, क्या फिर से फ्लाइट बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने ये सारे चीज़ें मुझे पूछ रहे थे पर्सनली मैसेज करके फेसबुक में और इंस्टाग्राम में। तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बनाया जाए, एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ जो सच है वो शेयर किया जाए। इसराइल के जो नॉर्थ के तरफ है जगह है जिसका नाम है गोलान हाइट्स, और इसके बगल में जो बॉर्डर शेयर करते हैं ये जगह, वो सीरिया और लेबनान के साथ। तो वहाँ पे क्या हुआ, दो तीन दिन पहले वहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड में लोग, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, और वहाँ पे लेबनान से अटैक हुआ, रॉकेट अटैक हुआ। 12 बच्चे जो हैं मर गए वहाँ पे, 12-14 लोग घायल भी हुआ, जो कि 4-5 लोग हॉस्पिटलाइज्ड है। तो ऐसा सिचुएशन है। अब लेबनान के सरकार बोल रहे हैं कि हम लोग अटैक नहीं किए, वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तब जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हिजबुल्ला के तरफ। हिजबुल्ला भी बोला कि हम लोग भी अटैक नहीं किए, लेकिन इसराइल की गवर्नमेंट बोल रहे कि हिजबुल्ला ने अटैक किया। तो अभी इस स्थिति में इसराइल की सरकार बोल रहे कि हम लोग चुपचाप बैठेंगे नहीं, हम लोग भी अटैक करेंगे, लेकिन फिलहाल वो लोग डायरेक्टली हिजबुल्ला के साथ जंग करने के लिए नहीं जाएगा, ऐसा बोला है, रिपोर्ट में ऐसा आया है। तो बोल रहे कि इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि हम लोग स्ट्रेटजिकली वहाँ पे अटैक करेंगे। कब करेगा, क्या होगा, सिचुएशन क्या होगा उस तरफ अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, आगे आगे देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है सिचुएशन इसराइल के अंदर तो सब कुछ नॉर्मल है। मैं लैब गया था, पूरा दिन लैब गया, कल भी लैब गया, और सब कुछ एकदम नॉर्मल है। हम लोगों की तरफ, हम लोग तो सेंट्रल में रहते हैं तो कुछ इधर तो कुछ इफेक्ट आया नहीं अभी तक, बाद में जो होगा देखा जाएगा, मैं अपडेट देता रहूँगा। लेकिन लेबनान में जो जर्मनी लोग और स्टेट्स के, यूनाइटेड स्टेट्स के लोग रहते हैं, तो अमेरिका की सरकार और जर्मनी की सरकार ने वो लोगों को बोला कि वो लोग रिटर्न चला जाए लेबनान से, क्योंकि इसराइल अटैक कर सकते हैं ऐसा उन लोगों का सोच है। लेकिन अभी सब कुछ ठीक है, तो डरने का कोई ज़रूरत नहीं है जो लोग इसराइल में हो, और जो लोग अभी फ़िलहाल इसराइल आना चाहते हो, जिन लोगों का नेक्स्ट 2-4 दिन में फ़्लाइट से जो लोग नए आने के लिए सोच रहे हैं और आने का इंतजाम कर रहे हैं, उनके लिए अभी डरने का कोई बात नहीं है। भारत का जो न्यूज़ चैनल है उसमें मैं देख रहा था, वो लोगों को पता है, मैं पहले भी बोला था, कुछ भी वो लोग बता देते हैं कि अभी फिर से शुरू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आप लोग डरिए मत, मैं इतना कह सकता हूँ कि जो रिपोर्ट यहाँ से आ रहा है इसराइल से डायरेक्ट, वो लोग यही बोल रहे हैं कि इमीडिएटली कुछ इफेक्ट नहीं लेगा। जब दोस्तों हम लोग लास्ट ईयर वो जगह गए थे गोलान हाइट्स, तो आप लोगों को दिखाया था, जो नॉर्थ इसराइल की तरफ हम लोग घूमने के लिए गए थे ना, तो उसी दौरान वहाँ पर गए थे। वो एक ड्रूज विलेज है, इसराइल में यहूदी लोग सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एक क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, और साथ में ड्रूज भी है। ड्रूज एक रिलीजियन है, ना तो पूरा पूरी मुस्लिम है ना तो यहूदी है, एक इन बिटवीन आप लोग कह सकते हो। तो वो मजमे का लोग वहाँ पे रहते हैं। अगर आप लोगों को ड्रूज लोगों के बारे में जानना है तो आप लोग मेरे चैनल में वो ब्लॉग देखिए, आप लोगों को पता चलेगा कि वो जगह बहुत ही खूबसूरत जगह है। दोस्तों, गोलान हाइट का जिस जगह के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो पहले सीरिया के अंदर था, लेकिन 1967 में जब सीरिया के साथ इसराइल का 6 दिन का जंग हुआ था, तो उस दौरान वो जगह इसराइल के अंदर आया। वो जगह का बात मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम जो सीरिया और लेबनान के बॉर्डर के तरफ है। वो जगह हमेशा बॉर्डर के तरफ होता है तो कुछ अटैक होने का चांसेस उस तरफ ज़्यादा होता है। तो बात यह है वहाँ पे अटैक हुआ, तो ये इसराइल में कुछ नया चीज़ नहीं है, ये हमेशा होता रहता है पूरे ये मिडिल ईस्ट में, हमेशा एक अनरेस्ट रहता है।
उसमें जो सेंटर होता है वो इज़राइल, इज़राइल के साथ बाकी देशों का हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये ऐसा कोई नई बात नहीं है। बाकी मीडिया जिस तरीके से दिखा रहे हैं वो लोग को तो पता है आप लोगों को कि भारत के मीडिया किस तरीके से सब कुछ न्यूज़ को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो मीडिया की तरफ ना जाइए, ऑथेंटिक जो न्यूज़ चैनल है उधर भी देखिए। मैं पहले भी ये चीज़ बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल से देखिए, आप लोगों को पता चलेगा, एक्चुअल जो सिचुएशन है वो पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए सिचुएशन एकदम नॉर्मल है। तो दोस्तों ये अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि दो एक ने मुझे मैसेज किया, पूछा कि भैया वहाँ पे सुन रहा हूँ फिर से वार होगा, फिर से जंग शुरू हो जाएगा, ऐसा बात है क्या। मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर किया जाए कि ऐसे कोई सिचुएशन नहीं है। जो रिपोर्ट्स आ रहे, जो इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने जो बयान दिया और भी जो ऑफिशियल रिपोर्ट से जो न्यूज़ चैनल है और जो पेपर से इसराइल के, वहाँ पे यही बता रहा है कि हाँ अटैक हुआ है, लेकिन इसराइल अभी इमीडिएटली कुछ अटैक नहीं करेगा, वो स्ट्रेटेजिकली अटैक करेगा। बाद में वो क्या होगा नहीं होगा वो डिसीजन बाद में लेगा, तो आप लोग डरिए मत। तो दोस्तों लास्ट ब्लॉग जो दिया था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि इसराइल का 15 जगह जहाँ पे आप लोगों को घूमना ही घूमना चाहिए। तो फिलहाल आप लोग वो ब्लॉग देखिए और आप लोग जो है एक लिस्ट बना के रखिए कि वो जगह में से आप लोग कहाँ जाना चाहते हो, और आप लोग ब्लॉग को देखिए, आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा जगह जाना चाहिए, उधर जाके क्या करना चाहिए। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तो इसराइल रिलेटेड सारे खबर ब्लॉग्स आप लोगों को मिलता रहेगा। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, शांत रहिए। बाय बाय।